students, myself Shefali Mehndi Ratna, Assistant Professor Sociology, Maheshwari Girls PG College. Today I am going to discuss with you a new topic, community, जिसे हम समुदाय कहते हैं हिंदी में. तो चलो हम इस पर बात करते हैं कि क्या कम्युनिटी क्या होती है, उसके क्या मुख्य या आवश्यक तत्व होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं और किस किस प्रकार की कम्युनिटी समाज में पाई जाती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो किंग्सले डेविस ने अपनी किताब ह्यूमन सोसाइटी में, जो मानव समाज के नाम से आप लोग जानते हो, पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उसमें यही बताया कि कम्युनिटी जो होता है वो एक बहुत छोटा सा समूह होता है जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और वहां सामाजिक जीवन की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं. यानी सामाजिक जीवन से मतलब है एक व्यक्ति को आर्थिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, उसको अपनी धार्मिक क्रियाएं भी हैं, उसकी शैक्षणिक हैं, उसकी अपनी राजनीतिक क्रियाएं हैं. तो ये सब क्रियाएं मिलकर उसका एक सामाजिक जीवन बनता है जिनको वो समाज में रह के करता है, पर एक निश्चित छोटे से एरिया में रहता है वो. अगली हम डेफिनेशन की बात करें तो वो है ऑगबन एंड निमकोफ. ऑगबन और निमकोफ ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में बताया था कि कम्युनिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक निश्चित एरिया में रहता है, यानी उसका एक छोटा सा एरिया है जहां पर वो रहता है क्षेत्र में, और वहां पर उसके वो सारे सामाजिक जीवन के जो भी कार्य प्रक्रियाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं. ठीक है, अब हम इस समुदाय के आवश्यक तत्वों की बात करें तो आवश्यक तत्वों में सबसे जो तीन जो जरूरी चीजें हैं किसी भी समूह को समुदाय होने के लिए, वो है कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना समुदाय बनेगा ही नहीं. यानी हर एक समुदाय के लिए सबसे पहले तो एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए. दूसरी बात है, वो जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि वो व्यक्तियों का समूह अलग अलग जगहों से आया हुआ हो, यानी वो उनका निवास स्थान समान होना चाहिए. तीसरा है कि उनके अंदर हम की भावना, या जिसको हम कहते हैं सामुदायिक भावना, पाई जानी चाहिए कि अपने समुदाय के प्रति उनमें एक ऐसी भावना हो कि ये पूरा समुदाय मेरा है और मुझे इसकी भलाई के लिए ही कार्य करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की कम्युनिटी की, यानी कि उसकी विशेषताओं की या उसके लक्षणों की. तो उसमें यही सबसे पहले बात आती है कि जो भी समुदाय होता है उसका कुछ ना कुछ एक अपना नाम जरूर होता है. ठीक है, नाम के बाद जो आता है उसके जो सदस्य होते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उस समुदाय की जो भी उद्देश्य हैं या उसकी उद्देशिका है उसका पालन करे, उनके नियमों का पालन करे, जो सामाजिक प्रतिमान बने हुए हैं उनका पालन करे. ठीक है, और क्योंकि वहां पर व्यक्ति हैं, वहां पर वो लोग आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनके साथ में एक नाम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है. तो जब ऐसा स्वरूप होता है तो उसे हम कहते हैं कि समुदाय मूर्त रूप में पाया जाता है. ठीक है, जो अगली जो विशेषता है वो ये है कि समुदाय के सदस्यों को एक निश्चित स्थान पर रहने वाला होना चाहिए, तभी वो समुदाय के सदस्य माने जाएंगे, और उनका वहां पर स्थायी निवास भी होना चाहिए. यानी कि चलो अगर वो किराए पे भी रह रहे हैं तो उनको वहां पर रहते हुए, उस स्थान पर रहते हुए काफी समय हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारे आते हैं कि जो उसके सदस्य होंगे उस समुदाय के, अगर वो उस क्षेत्र में रहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि उन्हें उस समूह की सदस्यता ग्रहण करनी ही पड़ेगी. यानी उसकी मेंबरशिप उनको लेनी ही पड़ेगी अगर वो उस समुदाय के, यानी उस निश्चित क्षेत्र में आते हैं. हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी होता है कि उस समूह के जो भी पहले से डिसाइडेड या पूर्व निर्धारित उद्देश्य है वो उनका पालन करें. और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समूह के जो सदस्य होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक दूसरे के साथ रहकर कर लेते हैं. फिर अगले जो आती है कि किस किस प्रकार की समुदाय जो है हमारे समाज में पाए जाते हैं. तो अगर हम किंग्सले डेविस की ही बात करें तो उन्होंने सिर्फ इसको दो भागों में बांटा है कि यदि हम विशेषताओं के आधार पर देखें तो पूरे जो विश्व है उसमें सिर्फ दो प्रकार के समुदाय होते हैं. एक ग्रामीण समुदाय, ठीक है, जहां पर ज्यादातर कृषिगत कार्य होते हैं, यानी कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, और दूसरा होता है नगरीय समुदाय जहां पर गैर कृषि कार्यों की प्रधानता होती है. दूसरे हैं मैकाइवर और पेज,
मैकाइवर और पेज ने इसमें एक और जोड़ दिया, यानी कि ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय तो उन्होंने बताया ही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें क्षेत्रीय समुदाय भी पाए जाते हैं। क्षेत्रीय से मतलब होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ अलग विशेषताएं लेते हुए समुदाय होते हैं, तो उन्होंने उसमें इसको भी जोड़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट थे बोगार्डस। बोगार्डस ने अपने ग्रामीण समुदाय भी बताए, उन्होंने नगरीय समुदाय बताए, उन्होंने क्षेत्रीय समुदाय बताए, पर उन्होंने पूरे एक देश को, उसको भी एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा एक देश, क्योंकि उस देश के लोगों में आपस में एकता होती है, वो एक देश की एक निश्चित सीमा में रहते हैं, उनमें हम की भावना भी होगी। जब दूसरे देशों के उसको रेफरेंस में देखेंगे, उनके संदर्भ में देखेंगे, तो उन लोगों में आपस में हम की भावना भी पाई जाएगी, तो इसलिए पूरा का पूरा एक जो देश होता है वो भी समुदाय है। नेक्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने तो जो छोटे छोटे जो कृषि से संबंधित जो लोग थे, जो कस्बे ढाणियों में रहते थे जहाँ पे कृषिगत कार्य हो रहे थे या गैर कृषि कार्य भी हो रहे थे, उनको एक अलग ही नाम दिया जिसको उन्होंने कहा लघु समुदाय, जिसमें बहुत छोटे छोटे समूह के लोग पाए गए और उन्होंने अपनी अलग ही विशेषताएं रखी। उनको बाकी समाज से कोई जरूरत नहीं थी और वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी समुदाय में रहकर कर लेते थे। और लास्ट एक आता है जिसकी काफी सारे जो हमारे मानव शास्त्री हैं, जिन्होंने मानव शास्त्र का अध्ययन किया है, उन्होंने बताया कि एक अलग ही समुदाय है जो पूरे के पूरे मुख्य धारा से अलग होके रहता है, जिसका निवास स्थान मुख्यतः जंगलों में होता है, यानी कि वो शहर में या गांव में नहीं रहते, वो जंगलों में प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं, उसको उन्होंने बोला जनजातीय समुदाय। और ये जनजातीय समुदाय, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसके लोगों की अपनी अलग संस्कृति होती है, और ये लोग अपने सभी कार्यों या अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, वो और कहीं जाके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, अर्थात या तो वो आपस में एक दूसरे पे होंगे या सिर्फ प्रकृति पे निर्भर होंगे और वहीं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय एक बहुत अच्छा समूह है, जिसमें लोगों में सबसे जो अच्छी विशेषता पाई जाती है वो यही होती है कि वो आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर से मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने उसी समूह में कर लेते हैं। दूसरा, उनमें हम की भावना पाई जाती है, यानी अपने समुदाय के प्रति वो सचेत होते हैं और ध्यान रखते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।